गाइस अगर आप टिकटॉक का यूज करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी खबर है आप सबके लिए। गाइस टिकटॉक को इंडिया के अंदर फिर से बैन किया जा सकता है। कुछ समय पहले टिकटॉक को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था, इसकी डाउनलोडिंग को प्ले स्टोर के ऊपर से रोक दिया गया था क्योंकि इसके ऊपर जो वीडियोस आती थी वो 18 प्लस थी काफ़ी सारी वीडियोस। उसके बाद टिकटॉक वालों ने एक्शन लिया और काफ़ी सारे लोगों के अकाउंट को डिलीट कर दिया था, बट उसके कुछ समय के बाद टिकटॉक के ऊपर से बैन हटा दिया गया था। बट गाइस अभी अप्रैल 2020 के अंदर टिकटॉक को बैन करने की डिमांड काफ़ी ज़रा बढ़ गई है क्योंकि टिकटॉक के ऊपर और भी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो टिकटॉक के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी, तो बहुत सारे लोग इसको बैन करने की डिमांड कर रहे हैं और काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने इसको बैन करने का डिमांड किया है। सो ये कुछ समय के बाद हो सकता है कि टिकटॉक बैन हो जाए। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टिकटॉक बैन क्यों होने वाली है, इसके ऊपर ऐसी कौन सी वीडियोस थी जिनके कारण ये टिकटॉक बैन हो सकती है और बैन होने के क्या कारण है और क्या ये सच में बैन हो सकती है। और टिकटॉक से रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज है, अगर आप टिकटॉक का यूज करते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक सारा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि 2019 के अंदर टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, प्ले स्टोर से इसकी डाउनलोडिंग रोक दी थी क्योंकि उसके ऊपर जो वीडियोस थी वो ठीक नहीं थी और काफी सारे लोगों ने इसकी रिपोर्ट की थी। उसके बाद गाइस हाई कोर्ट ने इसको बैन कर दिया गया था। कुछ समय के बाद टिकटॉक वापस आ गई थी, बट अभी टिकटॉक को बैन करने की डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। पहले जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा डिमांड अभी इसको बैन करने की है। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर टिकटॉक बैन हो सकता है। इसके काफी सारे रीजंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। गाइस जो सबसे पहला रीजन है वो है कि काफी सारे लोग इसके ऊपर ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जो काफी सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है और वो वीडियोस गलत भी हैं। यहां पर आप ट्विटर के ऊपर भी देख सकते हो, ये वाला हैशटैग यहां पर काफी ज्यादा वायरल है और काफी सारे लोग टिकटॉक को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। टिकटॉक के ऊपर काफी सारी ऐसी वीडियोस अभी पोस्ट हुई हैं जो टिकटॉक के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। सारे लोग यहां पर वायरस को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। सो ऐसी वीडियोस किसी को भी पसंद नहीं आने वाली। इसमें काफी सारे लोगों ने बोला है कि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है और ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, सो इसे आपके फोन के अंदर नहीं होना चाहिए। आपको टिकटॉक के ऊपर काफी सारी ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जो कि इंडिया के अगेंस्ट है और वायरस को सपोर्ट कर रही है। काफी सारे न्यूज चैनल वालों ने भी बोला है कि टिकटॉक को बैन होना चाहिए और काफी सारे बड़े बड़े लोगों ने भी टिकटॉक को बैन करने के बारे में बोला है। सो इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है। अगर आपने इन वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियोस काफी खराब हैं और टिकटॉक के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। बट गाइस अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, ना कि गवर्नमेंट की ओर से ना ही टिकटॉक की ओर से, कि क्या ये बैन हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। बट यहां पर इसको बैन करने की डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि ये आपको कुछ समय के बाद बैन हो भी जाए। जब टिकटॉक 2019 के अंदर बैन हुई थी तो उससे पहले भी टिकटॉक को बैन करने की काफी ज्यादा डिमांड हुई थी, उसके बाद टिकटॉक बैन हो गई थी। ठीक उसी तरह से अब भी टिकटॉक को बैन करने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और हो सकता है कि कुछ समय के बाद आपको टिकटॉक के ऊपर बैन दिख सकता है, बट ये कंफर्म नहीं है। ये भी हो सकता है कि टिकटॉक उन अकाउंट या फिर उन वीडियोस के ऊपर एक्शन ले जो कि खराब हैं, जो कि टिकटॉक के ऊपर नहीं होनी चाहिए थी। बट अभी कोई कंफर्म यहां पर जानकारी नहीं है, बट इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। 2019 के अंदर भी टिकटॉक को बैन करने की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उसके बाद टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, बट कुछ समय के बाद ही टिकटॉक वापस आ गई थी। ठीक उसी तरह से अब भी डिमांड बढ़ती जा रही है, बट इस बार जो डिमांड है वो काफी ज्यादा है और हो सकता है कि टिकटॉक बैन हो जाए। इन वीडियोस की वजह से टिकटॉक को बैन होने का यहाँ पर चांस बढ़ गए हैं। ये कुछ इस टाइप की वीडियोस हैं जो आपने शायद देखी होंगी और आपको और भी मिल जाएंगी। सो इन वजह से टिकटॉक बैन हो सकती है। एक तो यहाँ पर सिक्योरिटी इशू है, उसके बाद काफी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। टिकटॉक से रिलेटेड एक और न्यूज है कि अब यूट्यूब भी अपनी शॉर्ट वीडियो ऐप को लॉन्च करने वाला है। टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो ऐप है और टिकटॉक के जैसी काफी सारी और वीडियोस ऐप हैं, जैसे कि लाइक ऐप, वीगो ऐप, कुछ इसी टाइप की काफी सारी और एप्स भी हैं। गाइस अब यूट्यूब भी अपनी एक शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च कर सकता है जिसका नाम हो सकता है यूट्यूब शॉर्ट्स। सो उसके ऊपर भी आप टिकटॉक के जैसे वीडियोस को अपलोड कर पाओगे, 15 सेकंड की वीडियोस को। गाइस यूट्यूब एक काफी बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, बट जो टिकटॉक है ये भी काफी बड़ा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। सो यहाँ पर दोनों की काफी ज्यादा टक्कर होने वाली है। अभी ये ऐप कब आएगी यूट्यूब शॉर्ट्स की, ये अभी कन्फर्म नहीं है, बट बहुत जल्दी ही ये लॉन्च हो सकती है और यहाँ पर सीधा टक्कर टिकटॉक के साथ होने वाली है। बट जो टिकटॉक के बैन होने की खबर है, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है तो टिकटॉक इंडिया के अंदर आपको फिर से बैन देखने को मिल सकता है। अगर आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।